तो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ बात किया था कि किस तरीके से हम डैशबोर्ड तैयार करते हैं, और आपने देखा कि एक डैशबोर्ड हमने कैसे क्विकली तैयार किया था लास्ट क्लास, तो अब बात करते हैं कि डैशबोर्ड के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक अलग सॉफ्टवेयर पावर बीआई का दिया है। बहुत सारे इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आपको पावर बीआई का सॉफ्टवेयर मांगता है। अब जैसे कल के बराबर। डेट में मुझे इस चीज को बनाने में 1 घंटा के ऊपर लग गया था, राइट? बराबर। बट पावर बीआई इसी काम को बड़ी आसानी से और बहुत ही कम टाइम में कर देता है। अब चलिए हम ये डेटा है, इसी डेटा पे एनालिसिस करके दिखाते हैं, ठीक है? तो हम इन्फो में आते हैं, यहाँ से कॉपी पाथ पे क्लिक करते हैं ताकि चाहिए होगा, और हम पावर बीआई ओपन करते हैं। पावर बीआई एक डेटा विजुलाइजेशन टूल्स है। पावर बीआई के बारे में समझ लेते हैं कि पावर बीआई एक डेटा विजुलाइजेशन टूल्स है, मतलब कि आप पावर बीआई की मदद से एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे जाके, यहाँ पे पावर बी आई डैशबोर्ड, पावर बी आई डैशबोर्ड, इसकी इमेज वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे इतने सारे पावर बी आई के ऑप्शन दिखेंगे। ये सारे जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं पावर बी आई से बनाए गए, और भी क्विकली, समझे? वो भी क्विकली बनाया गया है। तो चलिए हम पावर बीआई से एक डैशबोर्ड आपके साथ बनाते हैं, लेकिन उससे पहले जान लें कि पावर बीआई मिलेगा कैसे मुझे। तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है पावर बीआई डाउनलोड, पावर बीआई डाउनलोड का आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखिएगा, पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन जो है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेबल नहीं है। तो डाउनलोड पावर बीआई पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब जब नीचे ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ दिखेगा डेस्कटॉप ऑप्शन। अब मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो प्रॉब्लम होगा कि नीचे देखिए आर्क्स एमएस करके मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे चला जाता है। तो सेकेंडरी जो यहाँ पे दिखेगा आपको एडवांस डाउनलोड ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से लैंग्वेज और यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ जो है ट्राई वाई जो होता है उसको करने की चेष्टा मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर उस सब करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। जैसे कुछ लोग जाते हैं साइन अप फ्री और इसी चीज करने की कोशिश करते हैं, ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड, क्या सर्च करना है? माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड, और वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली इंस्टॉल करिए, जैसे कि आप नया फीचर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करते ही आप जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का विंडो पावर बीआई के दिखेगा। पावर बीआई का जो लॉगिन आई है, जब पावर बीआई जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पावर बीआई डेस्कटॉप का आइकन होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये विंडो आएगा। जब आप खोलेंगे तो आपको ऐसा विंडो नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉग इन कर रखा है। देखिए पावर बीआई की दो दो प्लेटफॉर्म है, पहला है डेस्कटॉप, दूसरा है वेब। मतलब कि हम डेस्कटॉप पे चीजें बनाते हैं, वेब पे स्टोर करते हैं, जहां से हम सब कुछ शेयर करते हैं। इसलिए आपको पावर बीआई की एक लॉग इन आईडी होनी चाहिए, वो भी आपको फ्री सर में मिल सॉरी टू जाता है। डिस्टर्ब यू बोलिए। सर, मैं पावर बी पावर आई बीआई डाउनलोड कर डाउनलोड रहा हूँ करना, ऑनलाइन, लेकिन आई एम अनेबल टू डाउनलोड द दैट पावर बी आई सर। मैंने जो प्रोसीजर बताया उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, जरूर डाउनलोड ठीक, होगा, ठीक है? मैंने क्या प्रोसीजर बताया आपको? दो डाउनलोड के डाउनलोड के ऑप्शन है सर, ऑप्शन एक सर, राइट में राइट एक में उसके बाजू में ही है, पहले आप तो उसमें जो पावर बी आई डाउनलोड, या डाउनलोड पर जाइए, आपको गूगल पे सर्च करना है पावर बी आई डाउनलोड। डाउनलोड पावर बी आई जो रिजल्ट आएगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट EN US/डाउनलोड दिख रहा है, इस पेज को ओपन करना है, ठीक है? थोड़ा सा ओके स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको दिखेगा पावर बी आई डेस्कटॉप। इसमें डाउनलोड पे क्लिक नहीं करना है, एडवांस ओके डाउनलोड ऑप्शन पे जाना है। तो ओके यहाँ पे सर जाएंगे तो फिर आपको लैंग्वेजेज और डाउनलोड का चीज दिखेगा, आप क्लिक ओके इन्फो, सर थैंक यू, यस ठीक है ना? सर थैंक यू, आई थैंक यू। अंडरस्टूड। अब आते हो वापस,
अब यहाँ हमें लॉगिन चाहिए होगा, फिलहाल आप लॉगिन को हटा देते हैं, फिर हम यहाँ पे जाते हैं। अब सबसे पहले देखिए, पावर बी आई का कोई अपना डेटा नहीं होता है, आपको डेटा इंपोर्ट करना होगा। डेटा इंपोर्ट करने के बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब कि 100 से ऊपर कनेक्टिविटीज है जहाँ से डेटा पावर बी आई में ला सकते हो। लेकिन मेरा तो एक्सेल फाइल है, तो एक्सेल फाइल पे क्लिक करते हैं, लोकेशन पे डाल जाते हैं एंड ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपके सामने डेटा खुल के आएगा। इसमें मेरे जितने भी शीट्स हैं सारे शीट्स आ जाएंगे, और कई सारे यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे शीट्स आ गए। अब मुझे इस पे डेटा शीट है, अब इसको सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे आपका डेटा दिख जाएगा कि आपका डेटा किस तरह का। ठीक है, क्लिक करने के जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ लोड है, यहाँ एक ट्रांसफॉर्म है। लोड करेंगे तो डायरेक्टली पावर बीआई में आपका डेटा आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये चला जाएगा कहाँ, पावर क्यूरी पे, जहाँ पे डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह आप कर सकते हैं। तो हम लोड पे क्लिक करते हैं, लोड पे क्लिक करते ही हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा और डेटा लोड हो जाएगा। यहाँ देखिए फील्ड्स आ जाएंगे। देखिए पावर बीआई या टैबलो बिल्कुल किसके थ्रू है, किसके जैसा है, बिल्कुल आपके एक्सेल के पिवट टेबल के जैसा है। अब इसमें कुछ नहीं करना है कि आपको ये सारे के सारे फील्ड्स आ गए, आपके इस फील्ड्स को उठाना है और यहाँ सिविलाइजेशन चूज करके रखना है। सिंपल, ये आपके पिवट टेबल का जो इस एरिया को कैनवेस एरिया कहते हैं, सॉरी पावर बीआई के इस एरिया को कैनवेस एरिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए पेज वन, और यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे पेज टू, मतलब कि कई सारे रिपोर्ट्स बना सकते हैं, एक के ऊपर कई सारे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ तीन व्यू है, ये रिपोर्ट भी हो गया, ये आपका डेटा भी हो गया। जो डेटा आया, डेटा यहाँ आपके सामने दिखेगा। डेटा में कोई नई कॉलम ऐड करनी है, कैलकुलेशन करना है, वो सब चीज़ यहीं पे कर सकते हैं। जैसे कि देखिए प्रॉफिट क्या है, परसेंटेज में है, तो यहाँ पे फॉर्मेट में जनरल है हमारा, जनरल की जगह पे परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या परसेंटेज सिंबल यहाँ पे क्लिक कर दिए परसेंटेज आ गया। उसी तरह से यहाँ पे प्रॉफिट आपका क्या है, ये डेसिमल्स में है, हाँ यहाँ पे डेसिमल्स में हाँ होगा, तो की प्रॉफिट जगह पे जीरो कर देते हैं। जीरो करके जब एंटर मारेंगे देखिए डेसिमल हट जाता है। तो इसमें हम नई सारे कई सारे कैलकुलेशन वगैरह अपने डेटा में करते हैं। अब देखिए फ्रिज में नहीं रखा है, और टिफिन में आप ऐसे कोई रोटी बनी रखते हैं, अच्छा, तो मुझे उसको 4 बजे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज माइक को म्यूट रखे, आप अनम्यूट करते हैं तो वापस म्यूट क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अपने डेटा के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब डेटा के बारे में समझिए, देखिए जो डेटा आपका होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि डेटा के सामने जो सम ऑफ का साइन लगा, मतलब ये नंबर फॉर्मेट है, इससे सारे सम ऑफ का साइन लगा हुआ। इसके सामने कैलेंडर लगा हुआ है, वो आपका डेट है, और जिसमें कुछ नहीं लगा वो आपका टेक्स्ट है। अब बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशन में और अपना रिपोर्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम गैंट चार्ट लेते हैं, और गैंट चार्ट के ऊपर हम यहाँ पे रेवेन्यू को डालते हैं कि हमारा रेवेन्यू का क्या सेल है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। वापस हम आते हैं, वापस गट चार्ट को लेते हैं और यहाँ इस साइड में रखते हैं। इसमें अपना प्रॉफिट देते हैं, इस तरह से कॉर्नर से पिक्चर को पकड़ के एक्सेल में करते हैं ना, ऐसे यहाँ भी आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ टाइटल चाहिए, इसका कलर में कुछ और चाहता हूँ, तो यहाँ फॉर्मेट में आएंगे तो कलर कुछ और, इसका कलर कुछ और, दोनों का कलर अलग अलग चाहता हूँ। डेटा कलर आप देख पा रहे हैं, मैं इसको ब्लैक चाहता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ ग्रीन। मोर कलर पे भी जा सकते हैं, जहां से अपना कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से होम में ही आपके सामने इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट में आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना रिपोर्ट का टाइटल डालना है। तो यहाँ हम टाइटल डालते हैं, सेल्स रिपोर्ट्स जून 2022।
2022, और इसको उठाते हैं, और इसको उठाने के साथ इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको बोल्ड और अंडरलाइन करते हैं ऊपर सेल्स रिपोर्ट के लिए। और फिर एक बार एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे इसको रखते हैं। कंपनी नेम या कुछ और देना है तो यहाँ दे सकते हैं कि IPT एक्सर स्कूल। अब इसका कलर जो है थोड़ा सा अलग लेना चाहते हैं, इसकी इसका सबसे पहले इसका साइज सिलेक्ट कर लिया, इसका साइज लेते हैं और साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बोल्ड होगा और कलर में मैं इसको ग्रीन कलर ले लेता हूं। ओवरराइट कर रहा है तो इसको हम ये हो गया हमारा। अब इसमें हम अपना रिपोर्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ अपना बार चार्ट लेता हूँ, यहाँ से ये बार चार्ट में हमें ये लेना है ना, लाइन चार्ट, लाइन एरिया चार्ट। तो ये जो एरिया चार्ट है, एरिया चार्ट को लिया और एरिया चार्ट में हम देते हैं यहाँ पे अपना एरिया चार्ट में हम यहाँ डेट देते हैं। डेट वाइज मुझे सेल्स का रेवेन्यू चाहिए कि क्या रेवेन्यू हुआ है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 2022 आया, तो ये नीचे ऊपर देख रहे होंगे आपको, इस पर क्लिक कीजिए, ये आपका डेट वाइज आ गया। फिर यहाँ से मेरे पास फिल मैप चार्ट होता है, फिल मैप चार्ट को लिया, फिल मैप चार्ट में यहाँ रखता हूँ और इस पे मैंने रख दिया अपना रीजन, और रीजन में हम रख देते हैं अपना ये भी सही से नहीं है क्योंकि जोग्राफिकल डेटा ना होने के कारण ऐसा आ रहा है। तो हम पहले डेटाबेस में जाते हैं क्योंकि तो इसको समझ नहीं पा रहा है। सेलेक्ट करके जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के रीजन टेक्स्ट डेटा टाइप टेक्स्ट है, इसको यहाँ डेटा कैटेगरी में चेंज होगा, डेटा कैटेगरी में हम इसको सिटी ले लेते हैं। तो सिटी लेने से क्या होगा कि फिर इसके लैंगिट्यूड लैंगिट्यूड बैकएंड में चला आएगा। अब जब मैं इस पे अपना मैप चार्ट रखूंगा तो कुछ सिटी वो रीड कर लेगा, इसे रीजन को यहाँ रखा, और फिर यहां से हम रेवेन्यू पर रखते हैं। डेटा लेजेंड और प्रोडक्ट को डेटा लेजेंड कर देता हूँ। मैप वो तो ऐसा मैप होने पे आपको ये दिख जाएगा। तो मैप चार्ट हमने ले लिया, मैप चार्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ शेयर चाहिए कि कितना शेयर है,
आपने यहाँ पे चार्ट लिया। अब चार्ट लेना है और चार्ट लेने के साथ सिंपल जाता है, इसमें हम प्रोडक्ट कैटेगरी, तो प्रोडक्ट कैटेगरी को डाल दिया। प्रोडक्ट कैटेगरी में डालने के बाद हम इसके अंदर रेवेन्यू को डाल देते हैं, जिस कारण से मेरा शेयर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन चार्ट लेते हैं, नीचे लाइन चार्ट में हम यहाँ डेट को डालते हैं और डेट में डालने के बाद हम न्यू कस्टमर टाइप, कस्टमर टाइप को सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें देखिए डेट ईयर आ गया, तो ईयर हटा दीजिए, क्वार्टर हटा दीजिए, मंथ हटा दीजिए, डे रहेगा। सॉरी, इसमें हम डेट देते हैं, डेट, और इसमें हम डालते हैं अपना काउंट कि कितना यूनिट कितना बिका है टाइप में, लेजेंड में, लेजेंड के जगह पे इसको डेटा फील्ड में रखते हैं। और यहाँ हम काउंट, और ये यहाँ से हम इसको डेट वाइज कर देते हैं। काउंट स्ट्रिंग हो गया, नहीं काउंट स्ट्रिंग नहीं करना, काउंट सिर्फ काउंट करना। ईयर हटा दो, मंथ हटा दीजिए, अब यहाँ हम क्या है, अभी लाइनिंग है। अब इसमें हम एक काम और करते हैं, इसमें फिल्ट्रेशन वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से टाइप को लिया और यहाँ पे हमने रख दिया यहाँ फिल्टर वाले सेक्शन, और इसमें हमने बोला कि सिर्फ न्यू वाला ही मुझे दिखे, तो देखिए न्यू वाला ही दिख रहा है। अब इसमें मुझे ये नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जो टोटल ये जो आ रहा है डेट, मुझे डेट नहीं चाहिए। तो यहाँ फॉर्मेट में आप जाएंगे और ये देखिए वाई एक्सिस एक्सिस हट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डेटा कलर हो गया, डेटा लेवल ऐड कर दीजिए, पता चलेगा कितना हमारा हुआ है। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसके बाद इसमें टाइटल वगैरह भी है, टाइटल टाइटल भी काउंट ऑफ यहाँ पे लिख सकते हो सेल्स न्यू कस्टमर। और सेम मुझे यहाँ पे ऐसा ही एक और लाइन चार्ट चाहिए नीचे के लिए, और यहाँ भी हम सेम अपना डेट को लेते हैं। डेट लेने के बाद हम यहाँ पे अपना टाइप का काउंट लेते हैं, यहाँ पे टाइप का लेजेंड में वैल्यू में डालना है हमें टाइप काउंट, काउंट चाहिए। इसको यहां से हम नीचे करते हैं जो कि डेट वाइज हमें आ जाएगा। उसके बाद इसको हम टाइप उठा के रखते हैं अपने फिल्टर में और यहाँ पे करते हैं कि रिपीट। और उसके बाद इसके फॉर्मेट में आते हैं, मुझे एक्सेस नहीं चाहिए हटा दिया, इस नहीं चाहिए हटा दिया। उसके बाद इसका टाइटल नीचे आएगा, टाइटल टाइटल में दे देते हैं सेल्स ओल्ड कस्टमर, हो गया। और इसको भी हम यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए कि हमारा प्रॉफिट का क्या है, तो गैंट चार्ट यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज डालते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज डालने पे 1700 से कुछ आ जाता है, तो सम नहीं, मुझे इसमें एवरेज चाहिए। ठीक है, तो एवरेज परसेंटेज आ गया कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का एवरेज जो है इतना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये वाला चार्ट चाहिए, बार चार्ट, ये वाले चार्ट, इसके अंदर हम अपना कस्टमर डालते हैं,
अपना कस्टमर नेम, कस्टमर नेम और इसके रेवेन्यू। अब यहाँ पे रेवेन्यू में टॉप एट और यहाँ पे टॉप फाइव। सॉरी यहाँ पे नहीं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना रेवेन्यू इसी में, यही पर रखना पड़ेगा रेवेन्यू। हमने यहाँ पर रखा एडवांस फिल्टर की जगह पे हम टॉप इन लेते हैं, टॉप इन में यहाँ पे हम फाइव कर देते इसी को वापस लेते हैं। इसमें हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट को रखते हैं और इसमें फिर रेवेन्यू को ऑटोमेटिकली शॉर्ट होके आता है, इसमें शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हो गई हमारी सेल्स का। उसके बाद अगर और चाहे तो हम यहाँ पे एक और यहाँ नीचे हम रखते हैं और इसमें हम अपना सिटी रीजन और रीजन का शेयरिंग दे देते हैं कि हमारा किस रीजन में कितना हमारा मार्केट शेयर है। और इसको कर देते हैं छोटा और इसको कर देते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव रिपोर्ट हमने कितना कम टाइम में पावर बीआई से बना लिया। अब मेरा ये रिपोर्ट बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो सबसे हाइएस्ट चेन्नई था, फिर मनाली है, पटना है, फिर इस तरह से शेयरिंग में आ रहा है और ये हमारी रिपोर्ट बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैं इसको पब्लिश करूँगा। तो पब्लिश करने से पहले मुझे करना होगा सेव। पब्लिश करने से इस पर सेव कर देता है, यहाँ पे सेव कर दिया। अब इस रिपोर्ट को शेयर करना है मुझे तो दो तीन तरीके। एक तो मैंने पब्लिश कर दिया ताकि मेरा ऑनलाइन जो है पावर बी आई प्लेटफॉर्म पर चला गया। अब इस फाइल इस रिपोर्ट को भेजना है तो अगर मैं पावर बी आई प्लेटफॉर्म यूज ना करूँ तो मुझे इस्तेमाल करना है क्या, हम इसको सेव एज कर सकते हैं पावर बी आई में। लेकिन इसको ओपन करने के लिए आपके पास पावर बी आई का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या इसको हम कर देते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ। तो पीडीएफ में देख सकते हैं, तो पीडीएफ में जैसा दिखा वैसा दिखेगा। लेकिन इसको देखने का सही मजा है जब हम पावर बी आई प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। तो यहाँ हम देते हैं पावर बी आई पावर बी आई के कंसोल खोलते हैं।
यहाँ पे लिंक आता है, उस लिंक पे जाना होता है। अब इस पे राइट क्लिक कर, इस पे राइट यहाँ पे पावर बी आई की लॉगिन आईडी वगैरह आपके पास होनी चाहिए। तो मेरा लॉगिन है, इस कारण से चला गया, अदरवाइज आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देता है। लॉगिन करते ही देखिए मेरा ये पावर बी आई का रिपोर्ट खुल गया। ये अभी क्या ऑनलाइन हो, अभी रिपोर्ट भेजना है तो इसे दो तीन जरिए, जैसे शेयर, इसको आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर करने के लिए आपको पावर बी आई का प्रो आईडी होना चाहिए। मतलब कि अब यहाँ पे पावर बी आई आपसे पैसा मांग, शेयर करने पे क्या होगा कि हर किसी की शेयर विथ मी माले फोल्डर में चला जाएगा, जैसे कि ये गूगल ड्राइव वगैरह यूज करते हैं। आप एक्सपोर्ट की बात करें तो इसको एक्सेल एनालिसिस में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना खास आएगा नहीं। उसके बाद हम अगर बात करें इसमें एक्सपोर्ट इन पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट दो चीज़ें, एक एम्बेड इमेज है, दूसरा एम्बेड लाइव डेटा है। इमेज में क्या होगा, जस्ट इमेज आ जाएगा, फोटो जैसे पीडीएफ में आएगा, लेकिन जब एम्बेड लाइव डेटा करते हैं, अब ओपन पावर पॉइंट करते हैं, देखिए तो यहां पे एम्बेड होके आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहां लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, अब मैं इसका पासवर्ड गया हूं भूल, तो मैं यहां लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, तो इसको छोड़ दिया, बोला लॉगिन करते हैं आपके यहां पे आ जाएगा। उसके अलावा इसमें आपके सामने पीडीएफ तो है ही, जो बताया मैंने आपको। इसमें एक चीज़ और भी है, फाइल में आते हैं तो डाउनलोड है, एक आपका आता है प्रिंट दिस पेज है, एम्बेड। एम्बेड अच्छा है कि आपको किसी को भेजना है तो इसका एम्बेड कोड बना के पब्लिश कर दीजिए और किसी को भेज दीजिए। जैसे कि मैंने अगर इस लिंक को लेके अगर किसी को भेज दिया तो इस लिंक को खोलते ही वो अपना रिपोर्ट देख सकता है, देख ही नहीं सकता, चेंज मेंज भी कर सकता है। जैसे कि आपके सामने रिपोर्ट दिख गया, अब मान लीजिए मुझे जो सिर्फ चेन्नई का रिपोर्ट देखना है, तो मैं चेन्नई पे क्लिक करूंगा, पूरा रिपोर्ट हमारा चेन्नई के अकॉर्डिंग हो गया, दिख रहा है सर पूरा रिपोर्ट चेन्नई। इसको वापस क्लिक करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा। मैप में कुछ प्रॉब्लम है, डिसेबल है, हाँ मैप की सेटिंग डिसेबल कर रखी है। उसके अलावा इसमें एक फीचर और भी, जैसे मुझे इसको देखना है तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो जूम मोड में हो जाएगा, फिर बैक टू बैक करेंगे तो बैक हो गया, फिर अगर मुझे इसको देखना है तो ये जूम मोड में हो जाएगा, फिर यहाँ बैक रिपोर्ट कीजिए, इसको देखना है तो यहाँ से जूम मोड में हो जाएगा, यहाँ से आप बैक कर सकते हैं। यहाँ पर कर्सर जाते हैं, सबका डिटेल आ जाएगा, क्या है क्या कैसे नहीं। तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यही नहीं, अगर आपके पास कोई वेबसाइट वगैरह है, जैसे कि मान लीजिए मैं ब्लॉगर खोलता हूँ, मैं चाहता हूँ ब्लॉगर, जैसे आप देखते होंगे ना शेयर मार्केट वगैरह में डेटा पूरा चार्ट वार्ट से चलाता है और डेटा से कनेक्टेड होता है, तो वो पावर बी आई और जैसे डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टैबलो ट्रेनिंग इन हिंदी में गया, मैं एक न्यू पोस्ट लेता हूँ, अब इस न्यू पोस्ट को मैं यहाँ से जो है एचटीएमएल लिखता हूँ, एचटीएमएल को सिलेक्ट करता हूँ और पावर बीआई पे आता हूँ यहाँ पे, और ये जो आपको दिख रहा है एम्बेड कोड, इस एम्बेड कोड को लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हाइट और विड्थ 600 300 है, आप बढ़ा घटा सकते हो और टाइटल वाइटल जो देना है दे सकते हो, और मैं इसको कन्फर्म करता हूँ। कन्फर्म करते हैं, यहाँ पे देखिए आ गया। अब मैं इसको व्यू पे क्लिक करता हूँ, देखा पावर रिपोर्ट यहाँ पे आ गए वेबसाइट पे, और मेरे डेटा से कनेक्टेड है, डेटा में किसी तरह का चेंज करूँगा तो कुछ समय बाद ये भी चेंज हो जाएगा, और जूम करते हैं पूरा जूम रिपोर्ट दिख जाएगा और वही सारा वर्क करेगा यहाँ पे जो कि हम पावर बी आई पे करते हैं। तो रिपोर्ट देखने का बहुत ही एक अच्छा तरीका है। ये तो हमने लिंक शेयर कर लिया था तो पब्लिकली कोई भी देख सकता है। आप चाहते हो कि नहीं नहीं कोई पर्टिकुलर पर्सन ही देखे, तो उसके लिए फिर आपको शेयर का ऑप्शन देना होगा, उसका ईमेल आईडी डालेंगे तो वो अपना ईमेल आईडी जब लॉगिन करेगा तो दिख पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्यूआर कोड होता है, आप क्यूआर कोड दे दीजिए तो क्यूआर कोड अपने पावर बी आई ऐप पे ओपन करेगा मोबाइल में, और क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, स्कैन करते ही रिपोर्ट उसके अंदर पहुंच जाएगी। जिसको भी क्यूआर कोड देंगे वो क्यूआर कोड से स्कैन करके अपना रिपोर्ट ले सकता है। तो ये हमारा पावर बी आई का सेगमेंट था।
तो पावर बीआई अगर देखें तो 2-3 महीना का टाइम लगता है हमको पढ़ाने में, अगर उसका कोर्स पूरा करना चाहे। और पावर बीआई का अभी मार्केट में डिमांड चल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट को इसने कितना जल्दी बना दिया। हालांकि इसी चीज़ को एक्सेल पे जाते तो मुझे बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता, आपकी नॉलेज भी अच्छी चाहिए होती तब जाके आप ये कर पाते, अदरवाइज। ठीक है सर, तो इसी तरह का रिपोर्ट टैबलू का है, तो टैबलू हम आपको कल कराएंगे। फिलहाल आप पावर बीआई पे प्रैक्टिस कर लीजिए, कल की क्लास में हम आपको टैबलू के बारे में समझाएंगे।